मैं सत्तर साल वाला जितना तेज दौड़ता हूं पैंतीस वाला मेरे साथ जब दौड़ता है तो वो तीन चक्कर लगाते थक जाता है और मुझे ठीक लगता है उन्होंने कहा कि बस जैसे मेरी गाड़ी खराब हुई थी ना सत्संग वाली जगह में भगवान करे ऐसे किसी की भी गाड़ी खराब हो और उसकी जिंदगी ऐसे ठीक हो जाए आप जरा सोच के देखिए कि सत्संग वो है जो आपके जीवन को एक नया रूप दे दे इसलिए हजार काम छोड़कर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए अमृतवाणी में। इसलिए कहा जाता है कि संसार में सबसे अधिक संसारेमिन क्षणार्धो अपी सत्संग सेवा निर्णाम मनुष्यों के लिए क्षण भर का भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह उसका तारने वाला बन जाता है और वो उसको चारों तरह के फल प्राप्त कराने में सहयोगी बन जाता है इसलिए सत्संग को साधारण मत मानिए सुनते हैं कान से मन से भी सुनना है हृदय से भी सुनना है बुद्धि पूर्वक भी सुनना है और अपने आत्मा से भी सुनना है पृथु नाम के राजा हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति करते करते इतने आनंद में हो गए कि भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मांगो क्या चाहते हो वो कहते महाराज एक कृपा कर दो कि आपकी महिमा सुनने के लिए दो कान ही काफी नहीं मेरी तो इच्छा है कि पूरे शरीर में कान लग जाए मैं आपकी महिमा सुनू और ये पूरा जीवन आपकी महिमा सुनने में ही लग जाए किसी भी जीवन में प्रगति वहां से शुरू होती है कि पहले व्यक्ति जिज्ञासु बने श्रोता बने सीखने वाला बने जानने की इच्छा वाला बने और फिर उसको धार्मिक मनोरंजन न माने डायरी में नोट करें और ये माने कि अब आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है और जैसे आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं बस समझ लेना आपका जीवन शुरू हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि सवेरा तब नहीं होता है जब सूरज उगता है सवेरा तब होता है जब आप जागते हैं अगर आप अपनी जिंदगी में जाग गए हैं भले ही वो शाम के चार बजे जागे हो आपका सवेरा तो उसी समय है और अगर आप अपनी जिंदगी में जागे ही नहीं तो कितना भी सूरज निकला हो और धूप चढ़ी हो आपकी जिंदगी में निद्रा और रात्रि अंधेरा है सवेरा नहीं है जागना बहुत जरूरी है होश में आना बहुत जरूरी है अपनी होश में जब आप आ जाते हैं वहां से जीवन की शुरुआत होती है क्या करना है पहला निवेदन जो आप सब से करूंगा मैं आप सबके लिए समय निकालते हैं मिलने के लिए कभी खुद के साथ मीटिंग करने के लिए समय निकालना शुरू कीजिए एकांत में अकेले बैठकर खुद से बात कीजिए भावी जीवन के बारे में बातचीत कीजिए अपने स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए आप अपने मन की शांति के बारे में बातचीत कीजिए खुद से और आप अपने भावी जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे उसके बारे में बातचीत कीजिए मन में शांति क्यों नहीं है इसके बारे में बातचीत कीजिए आपके जीवन में भक्ति कितनी है इसके बारे में बातचीत कीजिए आपका सामाजिक जीवन किस तरह का है इसकी बातचीत कीजिए और अगर आज ही जीवन खत्म हो जाए तो लोग पीछे आपको किस रूप में याद करेंगे इसके बारे में बात करके देखिए आप खुद से मीटिंग करेंगे तो समझ लीजिए एक ही दिन में आपका महान सत्संग शुरू हो जाएगा क्योंकि सत्संग के बाद नियम है कि एक सत्संग खुद के साथ अकेले बैठकर करना चाहिए यहां से सुनने के बाद जो आपने सुना जो आपने नोट किया दस मिनट घर में जाकर के उस पर चिंतन करना शुरू कीजिए जब आप चिंतन करेंगे विचार करेंगे चीजें याद रहेंगी नई योजना बनेंगी समझ लेना कि अब सत्संग आपका अपना हो गया मतलब आपने उसको अपना लिया और वहीं से आपका जीवन नया जीवन बनना शुरू होता है निवेदन ये भी करूंगा सभी से आपके जीवन को और कोई सुधारेगा या आपका भला करेगा या आपको ऊंचा उठाएगा या आपकी तरक्की कराएगा या आपका भाग्य जगाएगा ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं आपका भाग्य कोई जगाएगा और आपका भला कोई करेगा तो केवल आप ही अपना भला कर सकते हैं बाकी दुनिया में कोई आपका भला नहीं कर सकता इसलिए अपना भला खुद करने के लिए आपको संकल्पबद्ध होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जब अनेक तरह के प्रश्न किए उनका उत्तर देते देते एक स्थान पर गीता में भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें एक रहस्य बताता हूं ध्यान पुनसंगेते संगात जायते काम कामात क्रोधो भी जाये थे क्रोधात भोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्य भगवान ने एक बड़ा अद्भुत संदेश दिया तुम्हारा मन किसी चीज में टिक जाए और उसमें आसक्त तो हो जाए किसी चीज का मन के अंदर विचार बार बार आए किसी विषय का ध्यान करें संगस्ते शुभ जाए थे तो उस चीज से तुम्हारा अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है मतलब आप यहां आ रहे थे रास्ते में अनेक तरह की चीजें आपने देखी किसी के मन में गाड़ी की लालसा थी और किसी के नए मॉडल की कार जाती हुई देख ली या किसी महिला ने आते हुए यहां किसी ज्वेलरी वाली शॉप में शोरूम में बाहर की तरफ लगा हुआ कोई एक सुंदर सा नेकलेस देख लिया तो मन अटक गया ना वहां अब और सारी बातें सुनेगा आदमी लेकिन ध्यान बार बार उसी चीज पर जाएगा वहां से इधर उधर नहीं जाता कृष्ण कहते हैं किसी चीज में मन अटक जाए तो आसक्ति पैदा होगी फिर क्या होगा संगात जाए थे काम फिर तो उसे पाने की चाह जागेगी कहीं भी तुम्हारा मन जुड़ा किसी चीज में तुम्हारा मन पागल हुआ किसी चीज को आपने एक बाबत है हम लोगों ने विद्यार्थी थे उस समय एक पकड़ बाबा की बातें सुनी थी मुझे भी उस सभा में आमंत्रित किया गया था तो मुझे पहले मौका दिया गया कि आप कुछ कहिए वो बाबा उठ के आए बोले नहीं पहले मैं कहूंगा कहिए बोले देखो भालो तको मत बोलो चालो बको मत खाओ पियो छको मत और चलो फिरो थको मत अब बाबा की बात मोटी मोटी बात हरियाणा के बाबा जी थे लेकिन बाबा जी ने जो बोला वो याद करा दिया सबको कि देखना बालना ठीक तकना ठीक नहीं खाना पीना ठीक छकना ठीक नहीं चलना फिरना ठीक थकना ठीक नहीं बोलना चालना तो बहुत अच्छा है लेकिन बकना ठीक नहीं बोले सारी मुसीबत यही है तो जब आप ये शब्द है ना तकना किसी चीज को जब ताड़ने लगते हैं तकने लगते हैं अटैचमेंट पैदा होगी फिर पाने की कामना होगी कामात क्रोध हो भी जाए थे और अगर उसमें किसी ने बाधा डाल दी तो उस पर बहुत गुस्सा आता है ये ही मेरा दुश्मन है मैं जो चाहता वो नहीं ये होने देता अड़ंगा लगाने वाला यही अटकाने वाला यही है भटकाने वाला यही होते हैं ना कुछ लोग कुछ अटकाने वाले कुछ भटकाने वाले और कुछ लटकाने वाले आपको मिल जाएंगे जगह जगह तो उन्हें देखते ही आपको गुस्सा आएगा और फिर कहते हैं क्रोधात सम्मोह गुस्सा आया और आदमी सम्मोहित हो जाता पागल गुस्सा जब भी आएगा इतना पागल कर देता व्यक्ति को कि वो अपना स्वरूप भूल जाता है और ध्यान रख लेना गुस्सा जब भी आता है तो उसकी शुरुआत कहां से होती है कान के पास से पहले कनपट्टी गर्म होती है यहां से और यहां से आते ही वो इधर की तरफ चढ़ता है कनपट्टी से शुरू होता है और यहां आते ही माथे पर पहले बल पड़ेगा समझ लेना जहर जो है चलते चलते माथे पर आ गया बल पड़ा और बल आते ही अब वो नीचे पहाड़ से नीचे उतरता है पहले कहाँ जाएगा ब्रुकुटी पर गुस्सा पहले आते ब्रकुटी पर भावे तनेगी भौवें तन गई तो इसका मतलब है गुस्सा माथे पर आ गया और जैसे भावे तन गई तो गुस्से का जहर और बढ़ गया तो फिर कहा जाता है आंखों पर आंखें तरेरता है आदमी और अगर यहां तक रोक लिया तो तो भी ये अबाउट टर्न हो जाएगा लेकिन अगर वहां तक भी आप नहीं रोक पाए तो फिर यह आता है नाक पर और अगर ज्यादा ही आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो लोग क्या कहते हैं इसका तो गुस्सा नाक पे ही रखा रहता है आदत डाल ली ना आपने और अगर वहां भी आप नहीं रोक पाए तो फिर ये कहा आता है नीचे होठों पर होठ फड़कने लग जाते हैं और अगर वहां भी नहीं रोक पाए तो ये आता कहा है दांतों पर दांत पीसने लगता है आदमी और अगर वहां भी नहीं रोक पाए तो अंदर क्या है जीभ ये वहां आ जाता है और वहां आते ही गालियां बकना शुरू और अगर वहां भी नहीं रोक पाए तो कंधों पर आएगा और कंधे अकड़ा के आदमी तन के खड़ा होगा वहां भी नहीं रुका तो फिर आएगा बाहों पर बाहे चढ़ाएगा देखता हूं तुझे और अगर आप सोचते हैं कि यहां रोका जा सकता है रुक तो सकता है लेकिन उसके बाद यह तन बदन में आग लगाता हुआ पांव तक पहुंचता है और पांव पीटना शुरू करता है आदमी इसका मतलब हुआ कि अब गुस्से ने काबू पा लिया और अगर उसके बाद भी रोक लिया तो बहुत अच्छी बात अगर किसी ने और भड़का दिया तो कहा जाएगा ये आपके अवचेतन मन में चेतन से लेकर अवचेतन सबकॉन्सियस अनकॉन्सियस सब जगह जाकर जानवर बना देगा और जब जानवर बन गया आदमी क्या कर देता है दुनिया की बड़े से बड़ी लड़ाइयों के बीच छोटे छोटे शब्द थे गुस्सा आया और आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया नीतिकारों ने लिखा है क्रोध हो वही वस्वत हो राजा यमराज उस व्यक्ति को भैंसा बना के खुद बैठ जाता है जिस आदमी के अंदर क्रोध आ जाए यमराज का रूप धारण कर लेता है ना बड़ों का ध्यान ना छोटों का ध्यान ना लोक लाज वो क्या क्या बोलता है कृष्ण तो भगवान समझाते हैं कि कैसे हम फंसते हैं दुनिया में किसी भी चीज को देखते देखते लगाव पैदा करेगा व्यक्ति और उसके बाद उसकी अटैचमेंट शुरू हो जाएगी और फिर उसे पाने की चाह शुरू हो जाएगी उसमें कोई बाधक बनेगा तो गुस्सा आएगा गुस्सा आएगा तो सम्मोहित करेगा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा और सम्मोहन आया तो फिर खुद की याद नहीं रहती अक्ल ठिकाने नहीं रहेगी ज्ञान गया लाज गई समझ गई स्मृति भ्रमशात बुद्धि हो फिर सोचने समझने की ताकत भी गई बुद्धि नाशात प्रणश्यती और तब व्यक्ति नाश को प्राप्त होता है मतलब ये कि हर दिन या तो आप विकास कर रहे होते हैं तरक्की कर रहे होते हैं आगे बढ़ रहे होते हैं या फिर पीछे जा रहे होते हैं बीच में तो ठहरते नहीं कभी भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो चिंतन करना बहुत आवश्यक है और कैसे जाल में फंसते हैं इस पर भी विचार किया करें क्योंकि रोज हम नई आदतें बना रहे होते हैं और आदतें जब भी बनती हैं ये एक बात याद रख लेना क्योंकि मैं गीता के संदेश सुनाने लगा हूँ आपको और गीता वह भगवान की अमृत वाणी है जो भारतीयों को सबसे पहले मिली और पूरी दुनिया में जाकर जिसने सारे संसार को प्रभावित किया जिसके आगे दुनिया के हर आदमी ने सिर झुकाया गीता ही वो ग्रंथ है जिसका दुनिया की हर भाषा में अनुवाद हुआ है और गीता ही वो ग्रंथ है जिसको लोग सिर झुका कर ये कहते हैं हिंदुस्तान का ये ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है गीता ही वो ग्रंथ है जिस पर हाथ रखकर भारतीय व्यक्ति कोर्ट में सच कहने की कसम खाता है अगर कसम खाने लायक भी कोई ग्रंथ है तो गीता है भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और कथा अलग तरह की है भगवान कहाँ गए क्या क्या किया लेकिन भगवान ने हमारे लिए क्या कहा ये अगर पढ़ना हो तो गीता को पढ़िए क्योंकि गीता में सीधे सीधे अमृतवाणी है भगवान की इसलिए गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के संबंध में जो आखिर में आप पढ़े उसका जो महात्म्य बताया है बड़ा अद्भुत बताया है कि वो मेरा प्रिय है जो मेरे इस रहस्यात्मक ज्ञान को सुनेगा सुनाएगा और जो इसका आचरण करेगा मतलब कृष्ण ये समझाते हैं कि मेरा प्यारा होने के लिए जरूरी है तो अगर आप कृष्ण के प्रिय पात्र बनना चाहते हैं तो यह ध्यान रख लीजिए कि गीता ही ऐसी चीज है जिससे सुनकर आप कृष्ण भगवान के दुलारे बन सकते हैं उनका प्यार पा सकते हैं उनका आशीर्वाद पा सकते हैं गुरु बिन ज्ञान न होत है गुरु बिन दिशा अजान गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े शान जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राहत दिखाने वाला ही गुरु होता है गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं परम पूज्य सद गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग 19 जुलाई प्रातः आठ से दस बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना साय 5 बजे से सत्संग 20 जुलाई प्रातः आठ से दस बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना दस से ग्यारह बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा ग्यारह बजे से दिव्य शक्ति पाठ क्रिया साय पाँच बजे से सत्संग 21 जुलाई प्रातः आठ बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर नजदीक जापानी पार्क सेक्टर बारह रोहिणी दिल्ली एक एक शून्य शून्य आठ पाँच आयोजक विश्व जागृति मिशन ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सा सादर आमंत्रित हैं परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 14 जुलाई 2024 गुरु दर्शन गुरुदर्शन पादुका पूजन एवं आशीर्वचन समय साय साढ़े चार से सात बजे मंत्र दीक्षा प्रातः नौ बजे स्थान सिद्धिधाम आश्रम बैकुंठपुर बिठुर कानपुर उत्तर प्रदेश आयोजक विश्व जागृति मिशन कानपुर मंडल संपर्क सूत्र आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं